हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर जो कि जी सेवन मिनिस्टर्स ने लिया है जी सेवन देशों के जितने भी क्लाइमेट चेंज या एनर्जी से रिलेटेड एसोसिएटेड मिनिस्टर्स है मेम्बर्स हैं उन्होंने अग्री करा है कि भाई हम द पीरियड ऑफ टाइम दो तक बहुत से ऐसे मेजर्स लेने वाले हैं जहाँ पे हम रेन्यूएल एनर्जी के सोर्सेज रेन्यूएबल एनर्जी का जो यूसेज है वो बढ़ाने वाले हैं एंड अलोंग विद दैट हम इंश्योर करेंगे कि जो भी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है उस पे हम काम कैसे कर सकते हैं ये इशू न्यूज में क्यों था क्योंकि रिसेंटली जी सेवन के मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी सपोरो में जहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड करा कि हम क्लाइमेट एनर्जी और एनवायरमेंट पे काम करने वाले हैं वी विल एंश्योर कि क्लाइमेट चेंज के जितने भी इफेक्ट uh, हैं जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करने वाले हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी के लिए विंड एनर्जी के लिए सर्टन टारगेट ही सात दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट देश अपने दिमाग में लेके आए हैं किस रीजन की वजह से ये लोग इन चीजों पर टारगेट करना चाहते हैं क्या क्या इसका फोर पॉइंट है आइए जानते हैं क्लाइमेट और एनर्जी मिनिस्टर्स में एक चीज पे बोला गया कि हम कैसे कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की तरफ आगे जाना चाहते हैं बाय दू था एंड थर्टी पे कोल के यूसेज को एक फेज तरीके से कम किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन फ्रॉम द फिगर्स यू कैन सी की ग्लोबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चलते जा रहा है कहाँ पे हम अस्सी uh, कोल का यूसेज अगर हम देखिए रफली अराउंड एटी थाउजेंड टन तक हम इसको टेरा वॉट आर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट ट्रांसपोर्ट पे हम इसको यूज करते हैं जहां पे हम कोशिश करना चाहते हैं कि बाय द टू 2035 वी आर फोकसिंग मोर अपॉन वाटर बायोमास विंड एंड सोलर जितना भी यूसेज है कोल का जितना भी परसेंटेज है कोल वो हम कर, uh, कम कर पाए दो हजार बीस से दो हजार पचास तक अगर आप आंकड़ा देखोगे थ्रू दिस पर्टिकुलर फिगर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हम 2050 पे मैक्सिमम फोकस कैसे सोलर एनर्जी पे करना चाहते हैं और मिनिमम फोकस हमारा रहना चाहेगा कोल ऑयल या गैस पे जो कि इवेंचुअली खत्म भी हो जाएंगे अगर हम इस 2020 वाले मूवमेंट की बात कर रहे हैं 2035 तक क्या ये जी सेवन देश चाह रहे हैं ये एक अग्रीमेंट का पार्ट है जहाँ पे ये दो दिन की कॉन्फ्रेंस पे ये सारे के सारे टीम्स आई थी और उनका ये काम था कि सपोरो जापान में जहाँ पे हिरोशिमा में इस साल जो जी सेवन का समिट होने वाला है वहां पे 2030 का एक डेडलाइन आए प्रपोजल आए जहाँ पे कोल के यूसेज को फेज आउट कैसे किया जा सकता है हाउ कैन इट बी शॉर्ट डाउन एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट इन मीन व्हाट फॉर्म कैन द इन्वेस्टमेंट भी गिवन इन द फॉर्म ऑफ गैस अगर हम बात करें जो भी कंटीन्यूअस इन्वेस्टमेंट है शेल गैस हो गया वाटर हो गया बायोमास हो गया विंड और सोलर एनर्जी हो गया उस पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कौन है ये G7 देश किस रीजन की वजह से इनका फॉर्मेशन आया G7 आर द richest nations of the world जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी संगठना, जिसकी फॉर्मेशन हुई इन द ईयर 1975 ये ब्लॉक एनुअली मिलता है जहां पे बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज पे डिस्कशन किया जाता है जिसमें से आपका ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनर्जी पॉलिसी इन सब पर फोकस होता है अगर हम G7 देशों की बात कर रहे हैं वी हैव कंट्रीज लाइक यूके कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली एंड यूएसए जो कि इसका पार्ट है पहले ये ग्रुप जी एट हुआ करता था लेकिन एवर सिंस रशिया इन्वेटेड क्रेमिया जब से 2014 में ये हुआ रशिया वाज रिमूव फ्रॉम द सेम सारे के सारे जी सेवन देश इंक्लूडिंग इंडिया जी ट्वेंटी का भी पार्ट है जी ट्वेंटी के बारे में हम डिटेल में कई दफा डिस्कस कर चुके हैं बिकॉज दिस वेल जी सेवन का कोई भी फॉर्मल चार्टर या कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है और जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती है रहती है सालाना मेंबर कंट्रीज के बीच में जहां पे वही पर्टिकुलर कंट्री इंचार्ज होती है एजेंडा सेट करने के लिए उस साल की मीटिंग का किस पर्टिकुलर एरिया में वो लोग डिस्कशन करेंगे अब हम क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं क्योंकि जी सेवन uh, जो देश हैं वो आपस में कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोग कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के यूसेज को बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसी वजह से आपको एक क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करना पड़ेगा क्या है ये क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जहां पे हम जीरो कार्बन एमिशन की बात करते हैं जो भी टारगेट्स जी सेवन के देश अचीव करना चाहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे दे वॉन्ट टू रिड्यूस द अलॉन्ग विद दैट एनर्जी सप्लाई को एनहांस करना है जो भी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस से जो आते हैं लाइक कोल एंड पेट्रोलियम उसको हम कैसे इशू करा सकते हैं कैसे उसमें वर्क कर सकते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे इसमें रिसाइकलिंग रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन केमिस्ट्री ग्रीन वॉटर ये सब कुछ इसका पार्ट है सो रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का एक सब कॉम्पोनेंट आप मान सकते हो विच विल एनश्योर कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपने पिछले फिगर में देखा कि 2050 तक हमारी डिपेंडेंसी सोलर और विंड पे कैसे हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए अब क्योंकि G7 के देशों का इतना ज्यादा फोकस चल रहा है एनर्जी पे किस किस चीज पे हम काम करते हैं हाइड्रो पावर विच इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जहां पे इंश्योर किया जाता है कि हम कैसे इलेक्ट्रिकल uh, एनर्जी uh, को कन्वर्ट कैनेडिक एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हाइड्रोलिक टर्बाइन के थ्रू विंड एनर्जी जहां विंड की कैनेडिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में सोलर एनर्जी जहां पे सूर्य की किरणों को सन की एनर्जी को हम टर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में जहां पे सोलर पैनल को यूज किया जाता है बायोमास एनर्जी जहां पे हम जो भी एनर्जी हमारी ऑप्टेन होती है प्लांट से एनिमल रिमेन से हम वहां पे कैसे हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं जियो थर्मल एनर्जी इन इट से जो हीट अर्थ के अंदर ही ट्रैपड है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में बाय द स्टीम टर्बाइन द ओशन एनर्जी जहां पे हम ओशन की थर्मल एनर्जी टाइडल एनर्जी वेव एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इंटू इलेक्ट्रिसिटी एंड फाइनली हाइड्रोजन एनर्जी जहां पे हम हाइड्रोजन की पोटेंशियल को कि हम केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूजल ये सारे के सारे मीटर सोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के फायदे क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के जिसपे जी सेवन इतना फोकस कर रहा है कि भाई जीरो एमिशन होगा इसमें इन्फिनिट रिसोर्स है इट इज इजीली अवेलेबल पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छा है डोमेस्टिक यूज के लिए अच्छा है रिलायंस ऑन फॉरेन रिसोर्सेज विल बी रिड्यूस द कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैफ्रिकॉन के बीच में आती है जॉब क्रिएशन होगा मेंटेनेंस कम है इनिशियल खर्चा जरूर होगा लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस कम है इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम आएगा एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन है वो भी घट जाएंगे आज की क्लास में मेरे तरफ से बस इतना ही Stay tuned for more at Unacademy. Like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable. Thank you so much, and have a great day, everyone.